कॉमर्स वाले तो फायर स्टार्टिंग से लगाते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स वाले भैया जो है, जितने बच्चे हैं वो फायर लगाने के लिए रेडी होंगे, तो जल्दी से एक बार कमेंट में फायर लगा दीजिए। नो वॉइस, अभी ठीक आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज क्लियर? अभी आवाज आ रही है क्या? नो साउंड, आ गई आवाज? आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। चलो हैं, कुछ कह रहे हैं, आ गई, कुछ कह रहे हैं, नहीं आई। चेक कर लो भैया एक बार, आवाज ठीक है अब? यस, यस सर। चलिए जी, ठीक है गाइस। सो यस, आई एम बैक अगेन विद फुल पावर। और आज की क्लास में हम आरंभ करने, देखो क्या होता है, कोई भी चीज अगर स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, लेकिन जब एक बार हम शुरू हो जाएंगे ना, तो किसी के बस में नहीं आते। हम कॉमर्स वाले ऐसे ही हैं, एक बार जब शुरू हो जाते हैं तो किसी के बस में बिल्कुल नहीं आते, ठीक है जी। तो भैया मैं आपका अपना अनुराग द्विवेदी, हल्क ऑफ बीएसटी, आप लोगों के सामने खड़ा हो चुका हूं बिजनेस स्टडीज का आरंभ करने के लिए। तो मैं चाहता हूं फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में फायर लग जाए, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में गाइस फायर लग जाए, क्योंकि भैया हम तो कॉमर्स वाले हमेशा आग लगाते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐप पर क्लास नहीं चल रही? नहीं चल रही है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं मुझे, ऐप के ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं। चलिए जी, यस इट इज अवेलेबल ऑन ऐप एज वेल। तो भैया शुरू करें। देखो यार, आप लोगों ने 11th क्लास स्टार्ट कर दी है, और 11th क्लास के बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए एक नया सब्जेक्ट आता है, बिजनेस स्टडीज। आप लोगों के लिए ये नया सब्जेक्ट तो है, लेकिन मैं बता दूं कि आपने इस बिजनेस स्टडीज को देखा और जिया काफी टाइम से है। आप काफी टाइम से बिजनेस स्टडीज को, मतलब बिजनेस को देखते हुए आ रहे हो। बस हमें करना क्या है जी, अब इसको पढ़ना है। बिजनेस देखते हुए बहुत पहले से आ रहे हैं, पढ़ने की बारी अब से है, ठीक है जी। ओके, तो बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएंगे गाइस, ठीक है। आज अकाउंटेंसी क्लास थी, मुझे पूछ रहे हो, आप बता रहे हो, ठीक है। चलिए जी, सो शुरू करें भाई, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें एवरीवन। बिल्कुल सर, जय हिंद, जय कॉमर्स, फटाफट कमेंट सेक्शन में लगा देंगे, ताकि मुझे पता लगे आप लोग तैयार है, कॉपी किताब लेके बैठ गए हो। किताब की जरूरत तो है नहीं, वैसे कॉपी लेके बैठ जाओ। आज की क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन चलेगा भाई। ठीक है जी, चलिए जी, ओके, जय हिंद, जय कॉमर्स। अरे यार देखो, जो डिफिकल्टीज आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दे दिया एकदम से, ठीक है। तो वो थोड़ा संभालने में 2 दिन लगेंगे, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, परेशान मत हो, फोकस करो जो अवेलेबल है आपके पास, ठीक है जी, ओके। चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक है जी। चलो, तो भैया आज क्या क्या होने वाला है? आज जो है, आज जो है हमारे पास क्या है सर, आज हमारे पास सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे कि बिजनेस स्टडीज क्लास 11 बिल्कुल नया सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे डरते हैं सब्जेक्ट से, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, ओके। चलो जी, चलो 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 चलो, ठीक है जी, ओके। उसके बाद सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज को देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यार एक बार सिलेबस शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो सो सिलेबस देखो यार, हमारे टोटल कितने चैप्टर्स है, कितने लोगों को पता है कि हमारे 11th क्लास के बिजनेस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस, कि टोटल 11th क्लास में कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? टोटल कितने चैप्टर्स हैं? कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 11, कोई कह रहा है 12। मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। देखो यार, मैं क्लास को बोरिंग नहीं बनाता, बिजनेस स्टडीज ऐसे पढ़ाऊंगा छप जाएगी माइंड में और आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ना
थोड़ा सा ना पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आप पूरे दिन में सबसे ज्यादा जो वेट करोगे वो बिजनेस की क्लास का करोगे कि भैया अनुराग सर ने तो मजा बांध दिया भाई, अनुराग सर ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे दिए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं ही बैठा था उस क्लास के अंदर, ठीक है जी, मेरे ऊपर ही सर क्लास पूरी चला रहे थे, तो आपको ऐसा फील होगा। ओके ठीक है, 16 चैप्टर्स नहीं पता सर, अभी स्कूल में बुक नहीं मिली है। कोई बात नहीं, मैं यहां पर हम किस लिए हैं, ठीक है, अगर पता होता तो आप हमारे पास खाए होते, आप हमारे पास इसीलिए हैं कि आपको कुछ चीजें नहीं पता, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और ये लीजिए भैया पहला आपके सामने, ठीक है, सिलेबस के बारे में बताते हैं आपको। देखो यार टोटल जो है ना 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, टोटल 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा वो 10 भी हैं, कई जगह 11 भी हैं, लेकिन मैं जो लेके चलूंगा उसको 10 पार्ट्स में लेके चलेंगे अपन, ठीक है जी। ओके चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है सर, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पहले चैप्टर का नाम है। कई जगह इसका नाम क्या है जी, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चैप्टर है। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस लिखा हो, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लिखा हो, या फिर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स लिखा हो, इन तीनों चैप्टर के नाम अलग है, कॉन्टेंट 100% सेम है, ठीक है जी। ओके चलो, उसके बाद सर दूसरे चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा सेकंड चैप्टर है। अभी एक बार मैं सारे चैप्टर धीरे धीरे लिखता जाऊंगा, फर्स्ट बुक के चैप्टर्स मतलब फर्स्ट पार्ट ई के चैप्टर्स लिख देता हूं, फिर आपको पार्ट ए के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद पार्ट बी के चैप्टर्स उसकी ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। क्योंकि देखो सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, तो वो चीज आसान हो जाती है, ठीक है। ओके तो पहले ही दिन, हाँ 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 मिश्रा जी बिल्कुल, प्रश्न मिश्रा जी बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हैं ना, मैं एग्जैक्टली वही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं करवाएंगे, करवाएंगे हर चीज करवाएंगे, स्टार्टिंग में एकदम सब कुछ नहीं करा देंगे, समय आएगा हर चीज का, ठीक है, तो हर चीज कराएंगे, आप परेशान मत हो। सीक्वेंस मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, किस लिए, ताकि आपको बेस्ट समझ में आए। देखो यकीन मानो आप पहली बार 11th में आए हो, मैं पिछले 11वां बार है मेरा, मैं 11वीं बार 11th में आ रहा हूं, आप पहली बार आए हो, तो मुझे पता है कि कौन से तरीके से आपको बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। ओके ओके स्टार्ट कर दूं, स्टार्ट कर दूं, बिल्कुल चलिए जी। कौन सी बुक, देखो फिलहाल तो हमारी बुक मिल जाएगी आपको, ठीक है जी, फिलहाल तो आपको हमारी बुक ही मिल जाएगी, बाकी एनसीईआरटी आप साथ साथ फॉलो कर सकते हैं, बाकी मेरे नोट्स बहुत हैं, जो मैं क्लास में लिखवा रहा हूं बस उतना लिख लो आप, बस ठीक है जी। ओके आरंज सर, हाँ हाँ चलो जी ठीक है जी। ओके सो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पहला, दूसरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ठीक है जी, तो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस है। उसके बाद फोर्थ सर बिजनेस सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज नाम का एक आपका एक चैप्टर है। फिफ्थ एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। तो टोटल जो पार्ट ए के आपके जो हैं ये चैप्टर्स देख लीजिए मेरे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझना है, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन, कौन सी ब्लैक स्क्रीन, कौन सी ब्लैक स्क्रीन भाई, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, अभी ठीक है, अभी ठीक है भाई ना, ओके चलो कोई बात नहीं। अरे आज बात बोल रहा हूं ना पहली है, इतना प्यार तुम लोगों ने, इतनी भीड़, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, ठीक है जी, तो मजा बहुत आता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वी विल फिक्स, ठीक है। ओके सब कुछ ठीक तो चल रहा है,
बढ़िया चल रहा सब कुछ, ओके चलिए जी, नाउ एवरीथिंग ओके। चलो अब बात करते हैं सर, जो ये पांच चैप्टर है उसमें क्या क्या खास है, हर चैप्टर के बारे में एक बार ये देख लीजिए। सर देखो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, सर बिजनेस स्टार्टिंग से हम देखते हुए समझते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हम बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है। ठीक है जी, देखो बिजनेस ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने पहले, कितने लोगों ने ये वर्ड बिजनेस सुना है? अच्छा कितने लोगों के पेरेंट में, मम्मी पापा में से कोई बिजनेस करता है? ठीक है जी, कितने लोगों के भाई बहन जो है बिजनेस करते हैं? ठीक है, तो मुझे एक बार बताइए, हिंट दीजिए कि कितने लोगों ने बिजनेस को घर में ही देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोगों ने बिजनेस को अपने घर में ही देखा है? बहुत सारे बच्चों ने अपने घर के अंदर बिजनेस देखा हुआ है। ठीक है जी, ओके, भैया ने किया होगा, चाचा करते होंगे। ठीक है जी, तो बिजनेस को बड़े करीब से देखा है। अच्छा एक एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, हां जी गाइस पूछूंगा, जल्दी बताओ है, मैं कह रहा हूं आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, बस ईमान देखो आज थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, थोड़ी सी ग्लिचेस आ रहे हैं, बट उसको अवॉइड कर दोगे ना आप, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, इतना तो भैया चैलेंज है। ठीक है जी, ओके चलिए, तो भैया एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं, कितने लोगों ने यह भी नोटिस किया है कि अगर मेरे पापा अगर बिजनेस करते हैं, मेरे चाचा बिजनेस करते हैं, मेरे भैया बिजनेस करते हैं, मेरी मेरी जो बड़ी दीदी है वो बिजनेस में बिजनेस करती हैं, मेरी मम्मी बिजनेस करती हैं, तो बिजनेस वाले लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, कितने लोग ये बात मानते हैं? हाँ जी, बिजनेस वाले लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, कितने लोग ये बात मानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू, बहुत लोग मानते हैं, एग्री करते होंगे, है ना, मतलब उनके पास टाइम नहीं है, मतलब अगर मान लो घर पे है भी ना तो भी नहीं है, तो भी उनका माइंड जो है बिजनेस में प्रॉफिट लॉस कैश इनफ्लो आउटफ्लो इसमें ही लगा रहता है। तो बिजनेस इज अ वर्ड दैट इज डिराइव फ्रॉम बीइंग बिजी, बिजीनेस है ना, बिजनेस मतलब क्या हुआ भैया, बिजीनेस, जो बहुत ज्यादा बिजी है वो बिजनेस कर रहा है, या जो बिजनेस कर रहा है वो बहुत ज्यादा बिजी है। यस नो, यस नो, आई एक्सेप्ट, एग्री एग्री है ना, चलो ठीक है जी। अब सर ये ट्रेड और कॉमर्स इसी का पार्ट है, मतलब बेसिकली हमने कॉमर्स स्ट्रीम ली है और हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आगे आएगा पढ़ेंगे बहुत तसल्ली से, चिंता मत करो। ठीक है, उसके बाद सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है जी, इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में बिजनेस कितने तरीके के होते हैं, एक्चुअल में बिजनेस कितने तरीके से किए जा सकते हैं, कितने तरीके से खोले जा सकते हैं। ठीक है, सो मेनली बाल को टोटल पांच फॉर्म्स पढ़ेंगे हम लोग बिजनेस खोलने के, मैं एक बार सबके नाम लिख देता हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा कितने लोगों के गली के कोने पर परचून की दुकान है, कितने लोगों के गली के कोने पर परचून की दुकान है, कितने लोगों के गली कोने पर वो दूध वाले अंकल बैठते हैं, है जी, हाउ मेनी ऑफ यू, मुझे सवाल का जवाब देते जाओ बेहतरीन तरीके से, आपकी आज की क्लास बड़ी शानदार हो जाएगी। यस एवरीवन, कितने लोगों के दो गली छोड़कर या मेन रोड पे जाते ही आपको जो है हर एक चीज मिल जाती है जो भी आपको चाहिए होता है, कपड़े की दुकान है, है जी, जो परचून वाले भैया बैठते हैं वो अकेले बैठते हैं सर, परचून वाले भैया अकेले बैठते हैं, अकेले बिजनेस खोलते हैं, अकेले बंद कर देते हैं, तो जब बिजनेस अकेले कोई करेगा तो दैट बिजनेस इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप, उस बिजनेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं जी। ठीक है, सेकेंड वन इज पार्टनरशिप। अच्छा कितने लोगों ने पार्टनरशिप वर्ड सुना है, ये भी सुना होगा आपने, जरूर जरूर सुना होगा। अच्छा कोई ऐसा भी है जिसके घर वाले कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं? हाँ जी, बताइए, सुना है सबने, सबने सुना होगा ना, हमारे यहां गली नहीं होती, मैं गांव में रहता हूं, बिल्कुल चौराहा तो रहता है, चौराहे पे तो दुकान होती है कि नहीं होती है, वहां तो होती होगी। चलिए जी, ओके, तो देखो बेसिकली पार्टनरशिप, अच्छा आपने पार्टनरशिप के बारे में अच्छी चीजें भी सुनी होंगी, और कई लोग जो है कहते हैं यार पार्टनरशिप टिकती नहीं है, पार्टनरशिप से रिलेशन खराब हो जाते हैं, ये भी सुना होगा। यस नो, यस नो, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ मिलके बिजनेस करने के लिए एग्री हो जाएं, दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नोन एज
पार्टनरशिप, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को मेरे भाई पार्टनरशिप कहते हैं। अच्छा मैं ये पापा एंड अंकल 50-50, चलो जी ठीक है। उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है जी। तो जब भैया देखो क्या है जी, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं। अच्छा ये पता आपको, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट कैन ओनली बी फाइंड इन इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ये इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को सिर्फ आप इंडिया में पा सकते हैं, ठीक है जी। एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया का ओल्डेस्ट फॉर्म जो है यही है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसके अंदर एक फैमिली के लोग ही साथ मिलकर बिजनेस करते हैं गाइस, ठीक है, डन डन। चलिए जी उसके बाद सर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है जी? कोऑपरेटिव सोसाइटी जब एक ही सोसाइटी के लोग कुछ वॉलंटरी एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, जब आस पड़ोस के या सेम इंटरेस्ट वाले लोग एक एसोसिएशन क्रिएट कर लें एक दूसरे के वेलफेयर के लिए, दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये चौथा फॉर्म था। एंड पांचवा, अच्छा कितने लोगों ने बाल को, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में एक एक कंपनी के नाम ले दो जो सुने होंगे आपने। एग्जाम्पल शिखर, शिखर मौर्य जी, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से एग्जांपल दूंगा, फिलहाल तो बस मैं एक इंट्रो दे रहा हूं छोटा मोटा कि भाई चैप्टर टू में हमें ये पांच फॉर्म्स पढ़ने हैं, पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, जब पढ़वाऊंगा तब अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। टाटा, टाटा, इंफोसिस, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमूल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश लैक्मे, क्या पता तो आपको बहुत कुछ है, पता तो आप लोगों को बहुत कुछ है गाइस, बहुत बढ़िया यार शाबाश। बीएमडब्ल्यू, जियो, कैडबरी, अडानी, सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट वाला है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो मैंने अभी आपसे पूछा, आप लोगों ने जितने भी नाम लिए हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं जी, जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं गाइस, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी गाइस, ठीक है, डन है क्या? जोर से बोलो क्लियर है। ये पांच तरीके के बिजनेस भैया हम लोगों को चैप्टर टू में पढ़ने हैं, ठीक है जी, ओके। उसके बाद है मेरे भाई पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज में क्या पढ़ेंगे भैया? देखो अब जैसे ये पांचों है ना, ये पांचों जो हैं ये प्राइवेट एंटरप्राइज का पार्ट है सर, क्यों? क्योंकि दीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट बिजनेसमैन। तो प्राइवेट बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस करता है, बिजनेस ओन करता है, कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस या फिर प्राइवेट सेक्टर। जब गवर्नमेंट यही बिजनेस जब गवर्नमेंट करेगी उसे बोलेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है जी, ओके, इसको बोलेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेस गाइस, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइज कितनी होती है जी, हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है एक बार ये भी देख लेते हैं। देखो पब्लिक एंटरप्राइज में हमें तीन देखने हैं, एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है सर स्टेचरी कॉरपोरेशन, स्टेचरी कॉरपोरेशन पढ़ने हैं हमें, और गवर्नमेंट कंपनी पढ़ना है, गवर्नमेंट कंपनी पढ़ना है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थ्री पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर, ठीक है। चैप्टर फोर बिजनेस की सर्विसेज। सर अच्छा आप लोगों ने बैंक, कितने लोग हैं बैंक, कितने लोग बैंक में गए हैं? मैंने कुछ समझाया नहीं सिंधी ब्लॉगर भाई, मैंने कुछ समझाया नहीं, मैं तो बस बता रहा हूं कुछ चीजें कि ये सिलेबस है, ये हमें पढ़ना है, समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं कर रहा मैं बस बता रहा हूं, समझाने का काम 10 मिनट बाद होगा, तब पूछना जो समझ में आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा। हां जी सब लोग बैंक में गए हैं, सब लोग बैंक में गए हैं भाई, बैंक में सब लोग गए होंगे। अच्छा कितने लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं? दिल्ली में रहते होंगे तो मेट्रो, ठीक है जी, बाकी बस वगैरह भी होती है, ठीक है, कैब्स वगैरह भी होती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का आपने यूज किया होगा, है ना? यस और नो? अच्छा कितने लोगों का इंश्योरेंस भी है या पेरेंट्स का इंश्योरेंस है? कितने लोगों का इंश्योरेंस है?
बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर इंश्योरेंस भी होगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन का भी यूज करते हैं, हम भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं, अपनी बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही है, ऑनलाइन क्लासेस गाइस, ठीक है जी, ओके। तो सिंपल सिंपल मैं बोलना चाह रहा हूं कि बिजनेस के अंदर कुछ सर्विसेज का यूज किया जाता है बिजनेस को स्मूथली करने के लिए, बैंकिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ऐसी कुछ सर्विसेज होती हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। चैप्टर वन में इसका इंट्रोडक्शन भी लेंगे, चैप्टर वन में भी पढ़ाऊंगा और डिटेल में उसके बारे में चैप्टर नंबर फोर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर बात करेंगे सर एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, मतलब आजकल बिजनेस करने के क्या तरीके चल रहे हैं, आजकल बिजनेस कैसे किया जा रहा है, हम ये पढ़ेंगे भाई, ठीक है जी। आजकल एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या है, एक था ट्रेडिशनल बिजनेस, आज की डेट में चल रहा है ई बिजनेस। अब जैसे यहां पर ई क्लास चल रही है, ई क्लास, ऑनलाइन क्लास, वैसे ही बिजनेस भी आजकल ई बिजनेस चल रहा है, ठीक है जी, ओके। सो उसके बारे में पढ़ेंगे, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी, ओके, डन। कुछ पब्लिक हैं, कुछ प्राइवेट हैं, ज्योतिष मान जी कुछ पब्लिक हैं, कुछ प्राइवेट हैं, ठीक है, ओके, चलिए। तो ये बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ूं, ठीक है जी। कुछ और भी चैप्टर्स है मेरे पास, मैं और चैप्टर्स आपको बता देता हूं। अब चैप्टर नंबर सिक्स में क्या आ गया सर, चैप्टर नंबर सिक्स में हमारा आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। तो भैया देखो, हर बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वैसे ही बिजनेस की भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है जी। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है बिजनेस की, कुछ बिजनेस के मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, तो मॉरल वैल्यूज हैं, वो क्या क्या है, वो चैप्टर नंबर सिक्स में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर सेवन की गाइस, तो चैप्टर नंबर सेवन सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अच्छा, क्या आप लोगों को कुछ सोर्सेस पता है, कितने लोगों को कुछ सोर्सेस पता है, हां जी, जल्दी बताइए। वो रिंग लाइट नहीं है, वो लैपटॉप की लाइट दिख रही है आपको, जिस पर मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं। हाँ जी, पैसा अरेंज करने के कुछ सोर्सेस पता है आप लोगों को, यस, स्टॉक मार्केट, बैंक्स, ओके, असेट्स, टैक्स, लेबर, लोन, एटीएम, ओके 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 ओके, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर, क्या बात है, शेयर मार्केट, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स पता है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं बिजनेस फाइनेंस के, कौन कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करके हम पैसा अरेंज करते हैं, तो बैंक, बहुत सारे बच्चे ये भी यूज कर रहे हैं, बहुत शानदार यार, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना स्मार्ट आंसर देने वाले हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, सब लोगों को आंसर ऑलमोस्ट पता ही है। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस के अंदर फाइनेंस को अरेंज करने के जितने भी सोर्सेज हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है जी, आपके बाद उसके बाद हो गया हमारा लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, तो जितने भी है ना, ये सारी चीजें माल को हम चैप्टर नंबर सेवन में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर। चैप्टर नंबर एट स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी। तो एंटरप्रेन्योरशिप आजकल तो हॉट टॉपिक चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप, तो भैया एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस जो है चैप्टर नंबर एट के अंदर पढ़ा जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर नाइन इंटरनल ट्रेड है, भैया हमारे इंडिया के अंदर कोई भी ट्रेड होगा, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा, तो वो इंटरनल ट्रेड का पार्ट होगा, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ठीक है, ओके, होलसेल रिटेल के भी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर के अंदर। डन डन, हाँ, शार्क टैंक, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है शार्क टैंक का, एंटरप्रेन्योरशिप वहां पर बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट चैप्टर इज गाइस इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस मतलब सर जी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट,
ठीक है जी, कुछ बॉडीज भी हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं, तो वो सारी चीजें बालकों हम लोग चैप्टर नंबर 10 इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, डन, क्लियर है, क्लियर, डन। तो ये सारे चैप्टर्स बालकों, हमारा ये पूरा सिलेबस है। अब शुरू कर दूं आज की क्लास, मजा आया? शिवांशु जी कह रहे हैं बोरिंग लग रहा है, तो कुछ पढ़ाया नहीं तो बोरिंग लगेगा, लेकिन अब जो पढ़ाने वाला हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, अच्छा कुछ कह रहे हैं सर ये क्या सर जी, स्लो स्लो आप बता रहे हो। देखो पूरे साल दोबारा नहीं पढ़ोगे आप ये चीजें, ठीक है, कोई नहीं बताता सिलेबस वगैरह ढंग से, तो मैंने कोशिश करी कि मैं ढंग से बता दूं, क्योंकि आप जब चैप्टर वन पढ़ोगे तब आपको चैप्टर वन के बारे में पता लगेगा। लेकिन कोई मान लो पापा जी ने पूछ लिया किसी दिन कि हाँ बेटा बिजनेस में कितने चैप्टर्स हैं, आपको पता ही नहीं होता, आप जवाब ही नहीं दे पाते, चलो आप अकाउंटेंसी का नाम ले दो, नहीं पता होंगे, है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक बार पूरे साल तो हम रोज रोज तो सिलेबस पढ़ते नहीं है, सिलेबस एक बार में ढंग से पढ़ लो कि पूरे साल पढ़ना क्या है, उसकी छुट्टी। यस नो, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर वन, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अब जो समझ में ना आए उसके लिए आप 10 बार पूछो, मैं 11 बार बताऊंगा, ठीक है जी। ओके चलिए, तो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स देखो यार, स्टार्ट करते हैं आपसे और मुझसे, स्टार्ट यही से करेंगे हम। आप और मैं क्या क्या है सर? आप भी ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन, ठीक है जी। ओके, हम लोग किस में काउंट होते हैं सर? हम लोग ह्यूमन में काउंट होते हैं, और डेली बेसिस पर आप भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो, मैं भी डेली बहुत सारी एक्टिविटीज करता हूं, हमारे पापा भी डेली बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, मम्मी भी बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं। तो हम सब क्या है? हम सब ह्यूमन हैं, और एवरी ह्यूमन हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू लिव एंड टू सर्वाइव। यस नो एवरीवन, फटाफट, एवरी ह्यूमन हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू लिव एंड टू सर्वाइव। ये स्टेप नहीं किया मैंने, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो सर हर एक इंसान को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, किस लिए? किस लिए? दो वर्ड दिए तो फटाफट, दो वर्ड दिए मैंने, कौन कौन से? टू लिव एंड टू सर्वाइव, जल्दी से, कम ऑन कम ऑन, टू लिव एंड टू सर्वाइव। हर एक ह्यूमन को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, किस लिए? किस लिए? टू लिव एंड टू सर्वाइव। बहुत बढ़िया सर, देखो आप भी ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन, हम दोनों, हम सब जो है कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं सर? डेली बेस पर बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, टू लिव एंड टू सर्वाइव। डन, क्लियर, चलिए। सो एवरी ह्यूमन हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज आर नोन एज, जल्दी से कमेंट करिए, every human have to perform some activities to live and to survive and these activities are known as human activities। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं guys, every human have to perform some activities and these activities every human have to perform some activities to live and survive and these activities are known as and these activities are known as human activities। yes or no, is it clear everyone, is it clear for each and everyone here? ये बात बिल्कुल क्लियर है सर, आप और मैं, अंशिका सिंह जी मैंने अभी आपको बोला था आप पहली बार पढ़ रही हो, मैं 11 साल से हर साल पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कौन सी स्पीड से क्या कैसे खत्म कर देंगे, ठीक है, आप परेशान मत हो, आप अपनी स्पीड फोकस करिए प्लीज, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, सो एवरी ह्यूमन हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो आप अगर मेरी क्लास में आए हो ना, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जिससे आप पढ़ रहे हो वो धुरंधर आदमी है। हमारी पूरी टीम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो धुरंधर ना हो, एक से एक धुरंधर है भाई साहब, ठीक है। तो घर बैठ के इट इज इजी टू टाइप की स्पीड तेज करिए, लेकिन हमें पता है, आप परेशान मत हो, बस ट्रस्ट करो, सारा गेम ट्रस्ट का है, ठीक है।
ओके बिल्कुल सर, तो मैं जो जो भी बताऊंगा हैंड टू हैंड याद हो जाएगा आपको, इतनी इजी लैंग्वेज इतने बढ़िया तरीके से अपन कर रहे होंगे, डन। चलिए जी, तो एवरी ह्यूमन हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब सर जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है ना वो भी दो तरीके की होती है। सर जी ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है वो दो तरह की होती है, कौन कौन सी मैं एक बार बताओ। आपके पापा सुबह ऑफिस जाते हैं सर, बिजनेस करने जाते हैं सर, क्या करते हैं पैसा ही पैसा लाते हैं, पैसा ही पैसा, उसको क्या बोलेंगे। सर मम्मी सुबह उठ जाती हैं हमारे लिए सर, खाना बनाती है बढ़िया बढ़िया, ठीक है जी, और घर का काम करती हैं सर। उसके बाद जब मैं स्कूल से आ जाता हूँ, ठीक है, स्कूल से आने के बाद मम्मी फिर मुझे खाना खिलाते हैं, फिर कहती है बेटा थोड़ी देर सो जा, फिर डांटती है कि बेटा पढ़ क्यों नहीं रहा है ना। तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा जल्दी बताओ। पापा जो कर रहे हैं, ठीक है जी, पापा जो कर रहे हैं वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, और जो मम्मी कर रही है वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा जल्दी बता दो। मुझे आइडिया नहीं उसके रिगार्डिंग, मुझे कोई आइडिया नहीं जो आप लोग पूछ रहे हैं। पापा इकोनॉमिक, मम्मी नॉन इकोनॉमिक, क्या बात है, पापा इकोनॉमिक मम्मी नॉन इकोनॉमिक, बहुत शानदार गाइस, ठीक है। देखो अच्छा, तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या बनी। सर जी वो एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए की जाए, हाँ जी सही बोल रहा हूं, ये सुनो सर जी, वो एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं उन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और वो एक्टिविटीज जो संतुष्टि के लिए, मेरा बेटा मेरा लाल कुछ खा ले, मेरे पीले कुछ खा ले, कुछ पहन ले, अच्छा कपड़े पहन ले, अच्छा खा ले, तो उस संतुष्टि के लिए कि मेरा बेटा कुछ खा पी के तंदुरुस्त रहे, ठीक है जी, और अच्छे से पढ़ाई करे, मन लगा के पढ़ाई करे, तो इस संतुष्टि के लिए जो एक्टिविटीज की जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, नॉन इकोनॉमिक। तो भैया एक बार शुरू हो जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी वेल्थ एंड लिवलीहुड बोल दो गाइस, ठीक है जी, ओके। तो मनी वेल्थ और लिवलीहुड के लिए जो एक्टिविटीज करेंगे सर, मनी मतलब पैसा, वेल्थ मतलब संपत्ति, और लिवलीहुड मतलब जीविका, रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीजों के लिए जो एक्टिविटीज करेंगे मेरे भाई, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी वेल्थ एंड लिवलीहुड। ये तीन वर्ड जल्दी से कमेंट में चाहिए मुझे, हर बच्चे कमेंट में चाहिए। जल्दी से कमेंट में चाहिए मुझे हर बच्चे के। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म फॉर मनी वेल्थ एंड लिवलीहुड। जल्दी से, हेल्थ नहीं वेल्थ लिखा है मैंने, कमेंट में फटाफट कमेंट करो। अरे हाँ ठीक है, ठीक हो गया है ना, कोई स्पैम सब मत करना, ठीक हो गया, पता नहीं कैसे हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की गाइस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर सेटिस्फैक्शन। कौन सा सेटिस्फैक्शन, सोशल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है जी, ओके। सो आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर सोशल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन,
सोशल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इन सब चीजों के लिए जो एक्टिविटीज की जाएंगी। अब सर मम्मी सुबह खाना क्यों बनाते हैं आपके लिए कि आप 10 रुपए निकाल के दोगे, लो मम्मी नाश्ता के पैसे ले लो है, नहीं फिर लंच डिनर बनाया मम्मी ने, लंच बनाया मम्मी ने, मम्मी ये लो 50-50 रुपीज फॉर लंच एंड फॉर डिनर। नहीं सर, आप उन्हें उनके काम के लिए पैसे नहीं देते सर, वो संतुष्टि के लिए करते हैं। सो दोज एक्टिविटीज विल बी नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लव एंड अफेक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, डन। तो भैया वो एक्टिविटीज जो पैसे के लिए की जाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो सेटिस्फैक्शन के लिए की जाएंगी दोज एक्टिविटीज विल बी नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है जी, डन। चलो एक बार कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करें क्या सर, ये एग्जाम्पल देखना, ये एग्जाम्पल का सेंस सेम है लेकिन एक इकोनॉमिक है एक नॉन इकोनॉमिक है, और मुझे आप लोग बताने वाले हैं ये हो गया ए और ये हो गया बी, कौन सा इकोनॉमिक है कौन सा नॉन इकोनॉमिक है, फटाफट कमेंट कर लो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा इकोनॉमिक है कौन सा नॉन इकोनॉमिक है। ए इकोनॉमिक, बी नॉन इकोनॉमिक, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो टीचर टीचिंग है स्कूल, एक टीचर जो है स्कूल में पढ़ा रहा है सर, ये इकोनॉमिक है। टीचर टीचिंग इज ओन सन, अपने बेटे को पढ़ा रहा है, तो क्या अपना बेटा जब पढ़ाएगा लो पापा ये लो फीस ले लो, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो इसलिए पढ़ा रहा है ताकि मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएं, मेरे लाल पीले नीले हरे गुलाबी के अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है जी। सो दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर सेटिस्फेक्शन नॉन इकोनॉमिक, एंड टीचर टीचिंग इन स्कूल, स्कूल में पढ़ाएगा तो संतुष्टि के लिए नहीं पढ़ा रहा सर, जो सैलरी मिलती होगी सो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा इकोनॉमिक में, ठीक है जी, डन 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 डन। जोर से बोलो क्लियर है, सारे बोलो क्लियर है, मिलकर बोलो क्लियर है, मुझे नहीं आ रही आवाज, आवाज आई नहीं, ठीक है जी, ओके। सर जी आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो है, अच्छा कितने लोग बताएंगे कि मैं कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, मैं कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूं भाई। सर जी आप भी तो पैसा कमा रहे होंगे, अब आप पैसा कमा रहे हो, अगर आप पैसा कमा रहे हो तो वो इकोनॉमिक में आ गया भैया, ठीक है। चलो ये वाला देखना भैया, ए और बी, ए और बी जल्दी से बताओ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, सर अ लेडी कुकिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट, अ लेडी कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, हाँ जी सर एक डाउट, बिल्कुल पूछिए मिश्रा जी पूछिए, अगर टीचर अपने खुद के स्कूल में पढ़ाते तो प्रॉफिट मिलता होगा ना, इकोनॉमिक में आ गया, ठीक है सर। एक सवाल पूछू क्या, टीचर टीचिंग इन अ स्लम, टीचर टीचिंग इन अ स्लम, ठीक है जी, एंड वर्क एज वर्क इन एन एनजीओ, तो किसमें आएगा इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक में आएगा सर, बिल्कुल सर नॉन इकोनॉमिक में आएगा, बहुत शानदार यार क्या बात है, छा गए आप लोग तो, ठीक है। चलिए जी इसका बताओ, अ डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट, अ डॉक्टर ट्रीटिंग इज ओन वाइफ, डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट, डॉक्टर ट्रीटिंग इज ओन वाइफ, अब इसका नाम मैंने रख दिया बी, इसका नाम रख दिया मैंने ए, अब बताओ है तुम भाई कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो, मुझे नहीं पता रोमांची खा रहे हो तुम लोग, ईमानदारी से दोबारा देख के बताओ, हाँ जल्दी जल्दी उल्टा कर दिया मैंने इस बार, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया क्या बात है, अरे भाई साहब पढ़ाते इतना जबरदस्त है, हाय थू 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 आज थोड़ी चलिए जी बहुत बढ़िया सर गाइस। तो मैंने बोला था ना कि जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो एक भी डाउट आने नहीं दूंगा,
ठीक है जी, ओके, कंटेंट के रिगार्डिंग एक भी डाउट नहीं आएगा आपका। चलो अब मैं चाहता हूं कि अब आप ये कमेंट थोड़ा सा स्लो करें और एक कमेंट के अंदर, जैसे मैंने तीन एग्जांपल दिए और दोनों का सेंस सेम था, डॉक्टर तो डॉक्टर, लेडी तो लेडी, अगर टीचर तो टीचर, तीन एग्जांपल जल्दी से और दे दीजिए, तीन एग्जांपल जल्दी और दीजिए जिसका सेंस सेम हो। मैं एक और देता हूं, आप दो और दे दो, मैं एक और देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि सेंस सेम का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, ओके, जैसे अब मैकेनिक वॉकिंग इन अ गैरेज, ठीक है, अब मैकेनिक वॉकिंग इन अ गैरेज, मैकेनिक यू नो रिपेयरिंग हिज बाइक, तो मैंने मैकेनिक की दोनों जगह लिया। अब वो वर्किंग इन अ गैरेज, तो गैराज में काम करता है भैया, तो वो इकोनॉमिक में आएगा, और अगर खुद की बाइक ठीक कर रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक में आएगा। वैसे ही दो एग्जांपल जल्दी से और दे दीजिए, माइंड ब्लोइंग चेंज टू मोर इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक ही चैट में दोनों लिख दो ना, बार बार के लिख रहा हूं, मैं सबकी चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, एक ही मैसेज के अंदर दोनों लिख दो। ठीक है, ड्राइवर वर्किंग इन अ कोई भी ओला उबर के अंदर, अ ड्राइवर या अ पर्सन ड्राइविंग इज ओन कार, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। एक और एग्जांपल दूं क्या, अ लेडी मेकिंग, यानी अ लेडी सेलिंग दिया ड्यूरिंग दिवाली, किसमें आएगा? अ लेडी सेलिंग दियाज ड्यूरिंग दिवाली किसमें आएगा? जल्दी फटाफट, जल्दी 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 बताओ, जल्दी 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 फटाफट फटाफट फटाफट। स्टार्टिंग से एक बच्चे ने वो टैक्स वाला पॉइंट पकड़ लिया है और स्टार्टिंग भाई पूछ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, कुछ क्या चल रहा है जी, टैक्स ना दे तो क्या होगा? भाई मुझे क्या पता यार, जो भी होगा अच्छा तो नहीं होगा, टैक्स टाइम से देना चाहिए, टैक्स वगैरह है। चलिए बिल्कुल सर, इकोनॉमिक में वही सेम सेम सेंस, लेडी लेडी डेकोरेटिंग हर हाउस ड्यूरिंग दिवाली। हाँ जी, इकोनॉमिक है, बहुत बढ़िया गाइस, वो नॉन इकोनॉमिक में आ गया। ठीक है जी, धनबाल को चलिए जी, अब आते हैं सब, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन क्लियर हो गई ना सर, दो एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर अर्निंग, तीन वर्ड बताना कौन कौन से लिखवाए थे मैंने। हाँ जी, तीन वर्ड कौन कौन से थे वो, एक तो तुम्हें दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर ही, बट स्टिल तीन वर्ड कौन कौन से थे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, मनी वेल्थ और लिवलीहुड, बहुत बढ़िया गाइस। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर फॉर मनी वेल्थ एंड लिवलीहुड, बहुत शानदार। चलिए जी ठीक है, अब बात करते हैं सर जी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, सर जी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो भैया इसके तीन कीवर्ड क्या दिए थे मैंने आपको, इसके तीन कीवर्ड क्या दिए थे, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन, सोशल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन, सोशल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई कुछ और की, देखो ये एक्स्ट्रा है, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, जो भी बुक आप खोल के देख लो भाई, ये नहीं मिलेगा बुक में, ये हम लाए आपके लिए, बढ़िया चीज है। ठीक है, ओके, कुछ एक थोड़ा सा और पढ़ के देखते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी लेके आते हैं। मैंने बोला था कि ऐसा क्लियर करूंगा ना, ऐसा क्लियर करूंगा कि तुम पढ़ा रहे होगे क्लास के अंदर, सर जी आज मैं पढ़ाता हूं, आ जाओ आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आज मैं पढ़ाएगा, आज तुम्हारा भाई पढ़ाएगा। ठीक है जी, ओके, इतनी डिटेलिंग दे रहा हूं मैं आपको। चलो सर, ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, पता है ना? बिल्कुल पता है सर जी, कौन कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कुछ और डिटेलिंग जो हर जगह नहीं मिलेगा आपको, आसानी से किताबों के अंदर नहीं है ये। ठीक है, तो सर क्या होता है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच हैव इकोनॉमिक मोटिव,
सर इकोनॉमी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक मोटिव होता है सर, सर्वाइव करना, प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ करना, सर्वाइव करना, प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ करना, ठीक है जी भाई। अगर आप सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है जी, वो किसमें आएगा? इकोनॉमिक के अंदर आएगा। सर अगर आप प्रॉफिट कमाने के लिए कोई एक्टिविटीज कर रहे हो, किसमें आएगा? किसमें आएगा? किसमें आएगा? सर जो है प्रॉफिट में आएगा। सर जी ग्रोथ करने के लिए अगर आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हो, वो किसमें आएगा? वो भैया वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आएगा, ठीक है जी। श्रेयस ऑफिशियल जी पूछ रहे हैं मनी और वेल्थ में क्या डिफरेंस है। देखो मनी का मतलब होता है पैसा और वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति। मेरा घर मेरी संपत्ति है लेकिन वो पैसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो मनी मतलब रोकड़ा, मतलब कैश, मतलब पैसा है ना जी। वो गाना सुना हो तुमने, क्यों पैसा पैसा करती है क्यों तू मरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दू ढेरी है भाई। कितने लोगों ने सुना है गाना? बस वो पैसे की ढेरी लगाने के लिए, पैसे की ढेरी लगाने के लिए जो एक्टिविटीज आप करोगे ना, दोज एक्टिविटीज आर नोन एज, जल्दी बताओ, मैं बारिश कर दूं पैसे की, हाँ जी कौन सी एक्टिविटीज है वो? ऐप बहुत बढ़िया, ऐप बहुत बढ़िया। कौन सी एक्टिविटीज है सर जी? वो वाली, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। शाबाश। चलिए जी, अब सर जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं सर जो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ के लिए की जाती हैं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय यूजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सर इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? 4M, मैन मशीन मनी मटीरियल। सर जी मैन मशीन मनी मटीरियल का इस्तेमाल करके जो एक्टिविटीज की जाएंगी, ठीक है जी, दोज एक्टिविटीज जिसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे? इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। किसका? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मैन मशीन मनी मटीरियल, इन इकोनॉमिक रिसोर्स का जो है इस्तेमाल करेंगे तो किसमें आ जाएगा सर जी? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होता है, ठीक है, डन। चलिए सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर लीगली वैलिड, विच आर लीगली वैलिड। अब जैसे मान लीजिए यहां पर किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं हम, किसी एक बच्चे का नाम ले लेते हैं, किसका नाम ले लें? रितीश राज जी, रितीश राज करके एक स्टूडेंट है। तो रितीश राज जी और मैं, हम दोनों ने साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, पैसा ही पैसा कमाएंगे, ठीक है जी। एक काम करते हैं, रितीश और मैं मिलके वसूली करेंगे भाई साहब, वसूली, वसूली समझते हो ना, ए पैसा निकाल, हफ्ता निकाल, हफ्ता हफ्ता हफ्ता। तो अगर मान लो वो और मैं वसूली कर रहे हैं, ठीक है जी, तो और पैसा कमा रहे हैं भाई साहब, घर पे घर, गाड़ियों पे गाड़ियां खड़ी होती जा रही है हमारी, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर भाई साहब, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, ठीक है, हर जगह घर ही घर बन रहे हैं, गाड़ियां बैक टू बैक बेहतरीन बेहतरीन गाड़ियां खरीद रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी है जल्दी बताओ? वसूली भाई, दिस इज वसूली, हाँ जो भी बोल सकते हो आप लोग, मी ऑल्सो पल्लवी करी, मुझे भी धल लो सर, ये कौन सी एक्टिविटी है? बच्चे कह रहे हैं सर इकोनॉमिक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इकोनॉमिक है, नहीं मेरे भाई ये इकोनॉमिक नहीं है, ये इलीगल एक्टिविटी है। मैंने बोला ना सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी, बट दिस शुड बी लीगली वैलिड, वैलिड भी तो होनी चाहिए, लीगली वैलिड भी तो होनी चाहिए सर, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो मैंने बहुत सारे बच्चों ने यहाँ इकोनॉमिक लिखा हुआ है, गलती पकड़ ली आपकी? नहीं पकड़ ली, पकड़ ली नहीं पकड़ ली, ये गलती करते हैं बच्चे। तो मैंने बोला ना मुझे पता है कि तुम कौन से जवाब का आंसर, कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या देने वाले हो, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछ लिया, आया समझ में? तो आप बस ट्रस्ट कर दो भाई साहब, जो पढ़ा रहा है ना, जो हमारी टीम में जो भी पढ़ा रहा है, वो ऐसा पढ़ाएगा ना कि मतलब नैया पार हो जाएगी, ठीक है, ओके, बिल्कुल। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच मस्ट बी लीगली वैलिड, जो लीगली वैलिड होना चाहिए सर, ठीक है जी, और सोशली डिजायरेबल होना चाहिए, जिसमें समाज के अंदर उसकी डिमांड भी तो होनी चाहिए, ठीक है, ओके, समाज के अंदर उसकी डिमांड होनी चाहिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, डन। 4M मीनिंग, ये लिखा 4M का मीनिंग, मैन मशीन मनी मटेरियल। डन।
डन। थैंक्स फॉर अपनी मुस्लिम पार्टनर के लिए। अच्छा मोई मोई हो गया था वो तो। चलिए सर बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। गाइस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर सोशल साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन। उसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं अगर आपके क्वेश्चन में केस स्टडी में आ जाए तो चुपचाप आंसर क्या लिख देना, लेकिन चुपचाप लिखना, बताना मत किसी को, है ना। चुपचाप आंसर क्या लिख देना गाइस, क्या लिख देना सर जी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डन डन, क्लियर है सर। वो एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक मोटिव सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ के लिए की जाए, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके की जाए, लीगली वैलिड हो और सोशली डिजायरेबल हो, उन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक बोलते हैं। अब बात करते हैं सर जी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलो सर, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर सेंटीमेंट्स। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटीमेंट्स? एनीवन एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटीमेंट्स? सर सेंटीमेंट्स का मतलब बताओ जल्दी से क्या होता है। सेंटीमेंट, सेंटीमेंट्स भावना, भावनाएं, इमोशंस। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई तू तो सेंटी हो गया यार, मैं तो मजाक कर रहा, तू सेंटी हो गया। तो दैट सेंटी वर्ड आपने जो बचपन में यूज किया करते थे एक दूसरे को टीज करने के लिए, ठीक है। तो सेंटीमेंट्स भावना, फीलिंग, इमोशन, बिल्कुल सर भावनाओं के लिए, इमोशंस के लिए आप जो भी एक्टिविटीज करोगे दोज एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। डन, ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपथी। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपथी, जल्दी से फटाफट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपथी? हमदर्दी, दया। सर आई एम मिसिंग यू टू मच इन कौटिल्य बैच। वेलकम वेलकम, विल डेफिनेटली कम, डोंट वरी। काइंडनेस, बहुत बढ़िया। चलिए सर, सो देखो बेसिकली सिंपथी के लिए जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं दोज एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक। फिजिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स मतलब सर जी एक बात बताओ, अगर मैं सुबह सुबह ब्रश कर रहा हूं, है जी, अगर मैं बाल को सुबह सुबह ब्रश कर रहा हूं तो वो कुछ में आता है? हाँ जी गाइस, वो सुबह सुबह अगर हम मान लीजिए ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करना किस में आता है, इकोनॉमिक में कि नॉन इकोनॉमिक में? हैं जी सर जी, ब्रश करने के पैसे थोड़ी मिलते हैं, अगर ब्रश करने के पैसे मिल रहे होते तो वो इकोनॉमिक में आता, लेकिन ब्रश करने कोई बुलुच बुलुच करने कोई जो है हमें हमें क्या पैसा देता नहीं है, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक का पार्ट है। सर जी मैं नहा रहा हूं, फिजिकल नीड्स में नहाना भी तो आता है, ठीक है। सर जी मैं नहा रहा हूं रोज सुबह उठ के, तो भैया अगर नहाने के पैसे मिलेंगे, मम्मी मान लो भाई 10 दिन से तूने नहाया, मम्मी ने बोला ले ले 50 रुपये ले ला, जाके जल्दी से नहा गया। हाँ जी 50 रुपये मिल गए आपको, आप नहा के आ गए, किस में आएगा सर? फिर भी नॉन इकोनॉमिक में आएगा, क्योंकि मेन नीड पैसा कमाना नहीं था, आपकी फिजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, तो फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाएंगी वो एक्टिविटीज किसके अंदर आएंगी मेरे भाई? नॉन इकोनॉमिक में आएगी, ठीक है। डन, चलिए जी रिलीजियस ऑब्लिगेशन। रिलीजियस ऑब्लिगेशन सर आप क्या कर रहे हैं जी, आप मंदिर में जा रहे हैं, आप मस्जिद में जा रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, ठीक है जी। अभी हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, उससे पहले ईद थी, है ना। तो बेसिकली आप लोगों ने फास्ट रखा, क्यों रखा? हाँ जी पैसा मिलेगा? नहीं सर, इसलिए नहीं रखते सर। जब हम लोग जो फास्ट रखते हैं वो हम कुछ भावनाएं हैं हमारी भी, कुछ कुछ रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं उसके लिए रखते हैं, तो वो किस में आएगा सर? धर्म, बिल्कुल धार्मिक चीजें, बिल्कुल। तो किस में आएगा सर? ये आएगा रिलीजियस ऑब्लिगेशन। रिलीजियस ऑब्लिगेशंस विल कम अंडर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज गाइस, ठीक है। डन, लव एंड अफेक्शन। सर लव एंड अफेक्शन, अब क्या कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। हमने क्या किया सर, मैं रोज सुबह स्कूल में 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आएंगी तो मैं साथ में क्लास में जाऊंगा। किस में आएगा? मैं 15 मिनट खड़ा हो रहा हूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड आएंगी, मेरी दोस्ती, समझ रहे हो ना, है ना सर, मेरी दोस्ती आएगी तो मैं साथ में जाऊंगा। किस में आएगा?
किसमें आएगा? बिल्कुल सर, नॉन इकोनॉमिक में आएगा। अच्छा, आपकी क्लास में कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे, मतलब मेनली कुछ बच्चे रिलेट कर पाएंगे इसको, कि जिसके टिफिन में एक रोटी मेरे नाम की भी होती है, है जी? कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे आपकी क्लास में जिसके टिफिन में एक रोटी आपके नाम की भी तो होती है। कितने लोगों की होती है कि नहीं है? सर जी मेरे तो नहीं है सर। कितने लोग सर ऐसा है? दोस्ती, यस दोस्ती। ठीक है जी। तो सर अब सुनना प्लीज बड़े ध्यान से मेरी बात को, कि अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिसके टिफन में एक रोटी आपके नाम की है, ठीक है जी, तो मतलब वो आपके लिए कंसर्न है, आपके लिए लव एंड अफेक्शन दिखाता है, तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? नॉन इकोनॉमिक में। सर वो रोज उठ के फोन करता है आपको, ए जी आज स्कूल आ रहे हो ना आप? अगर वो फोन करता है कि स्कूल आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, और आप बोलते हो कि नहीं आ रहे, फिर वो भी नहीं आता है, तो ये किसके लिए? लव एंड अफेक्शन के लिए। ये एक्टिविटी भी किसमें आएगी? नॉन इकोनॉमिक के अंदर आएगी। सर अगर वो होमवर्क जब अपना कर रहा है तो चार पेज आपके भी लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है? लव एंड अफेक्शन के लिए, तो वो किसमें आएगा सर? वो भी नॉन इकोनॉमिक में आएगा। और जल्दी से बताना कितने लोगों के साथ ऐसा होता है रियल में, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कुछ कह रहे हैं बस सर समझ गया सर, बस 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 रुलाओगे क्या है? सिंगल लाइफ। ए जी ए जी आ रहे हो ना, बिल्कुल क्या बात है। तो मैंने बोला था ना कि यार मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेस्ट बना दूं। होता है सर ठीक है जी। पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए सर, पर्सनल, मैं आज 6 घंटे सोया सर, 6 घंटे सोया, तो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए तो सोया, ठीक है जी, तो वो किस में आएगा? वो भी नॉन इकोनॉमिक में आएगा सर। उसके बाद पैट्रियोटिज्म, देश की सेवा वगैरह, ठीक है जी, सामाजिक कार्य वगैरह, ये भी किसमें आता है सर? ये भी जो आता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर ही आता है, ठीक है जी, ओके। तो भैया जल्दी जल्दी अब आप बताओगे इसके अंदर मैं क्या क्या भरूं, आप लोग बताएंगे। सर जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बाल को जल्दी बताइए। सर ओपी थैंक यू सो मच, बस 5 मिनट खत्म कर देंगे 5 मिनट के अंदर। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सर मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है सर जी? मनी, वेल्थ एंड लिवलीहुड। और सर नॉन इकोनॉमिक का क्या है जी? सर नॉन इकोनॉमिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सेटिस्फैक्शन, है ना? ठीक है जी, मनी मेजरमेंट। क्या हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पैसे के टर्म में मेजर कर सकते हैं? यस सर नो। क्या हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गाइस पैसे की टर्म में मेजर कर सकते हैं? यस सर नो, यस सर नो, यस सर। सो कैन बी मेजर, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। ड्यूरेशन बताइए, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भैया इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या ड्यूरेशन होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रेगुलर, रेगुलरिटी चाहिए सर। पैसा एक दिन नहीं कमाना, पैसा रेगुलरली कमाना है, ठीक है जी, ओके, बिल्कुल सर, रेगुलर बेसिस पे करना है हमें ये काम, जो है हमें रेगुलर बेसिस पे करना है, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर फ्री टाइम में, लेजर टाइम में, फ्री टाइम, लेजर टाइम, ठीक है, जब भी आपके पास क्या हो जी? फ्री टाइम हो, ठीक है, लेजर टाइम हो, तब हम लोग जो है ये एक्टिविटीज करते हैं, डन। चलिए एंड रिजल्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या होगा जी? सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमें पैसा कमाने को मिलेगा, ठीक है जी, तो अल्टीमेटली क्या मिलता है सर? हमें मनी मिलती है जी, अल्टीमेटली मनी मिलता है, और यहां पर सर जी सेटिस्फैक्शन मिलता है,
पॉइंट सेम हो रहे हैं लेकिन मतलब अलग अलग है दोनों का, ठीक है। एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, टीचर टीचिंग इज ओन सन, टीचर टीचिंग हिज ओन सन। कोई दिक्कत परेशानी बाल को क्लियर है क्या? कोई दिक्कत परेशानी समस्या प्रॉब्लम अड़चन कठिनाई कोनो दुख कष्ट मुसीबत पीड़ा एनी स्यापा हाँ जी गाइस नक्को कछुना 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 नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी बिल्कुल चलिए जी ठीक है। जब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर भैया आज हमने क्या क्या किया जल्दी से बताओ सर, आज हमने क्या क्या कवर किया है? सर आज हमने जो है ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में देखा, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज कितनी होती हैं एवरीवन? ह्यूमन एक्टिविटीज कितनी होती हैं सर जल्दी बताइए गाइस, ह्यूमन एक्टिविटीज कितनी होती हैं? सर दो होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, एक होती है सर इकोनॉमिक, एक होती है सर जी नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। उसके बाद सर जी हमने इकोनॉमिक को इलैबोरेट कर लिया, नॉन इकोनॉमिक को इलैबोरेट कर लिए, इसके डिफरेंस वगैरह भी हमने देख लिया, ठीक है, इसके एग्जांपल्स वगैरह भी हमने देख लिए। डन क्लियर गाइस? चलिए तो होमवर्क क्या है? होमवर्क बस इसी के भैया अपने ढंग से रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना इसी को अच्छे से, ठीक है, ओके एवरीवन। चलिए जी तो फिर हम मिलेंगे आप लोगों से कब? अच्छा जो भी डाउट्स आप दो चार डाउट्स अपने मुझसे यहां से पूछ लीजिए क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। बैगिंग किस में आएगा? देखो बैगिंग यार, देखो समाज की सेवा के लिए तो बैगिंग करते नहीं, अपने पैसे के लिए करते हैं, तो इकोनॉमिक के अंदर ही आएगा वो भी, ठीक है। किस पर्पस के लिए कर रहे हो राजीव बुल जी? राजीव बुल जी किस पर्पस के लिए कर रहे हो ये मैटर करता है। मजा आया कि नहीं आया? कितने लोगों को मजा आया? हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। देवेश शाह जी, देवेश शाह जी वेल्थ इज इक्वल्स टू असेट, बहुत बढ़िया सही बोल रहे हो बिल्कुल, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया? बहुत आया, बस यही चाहिए और मजा आएगा। हम आपको एक बता रहा हूं एक बात कि आप पूरे दिन में बस ये इंतजार करेंगे कि आज बिजनेस की क्लास कब हो रही है, कितने बजे हो रही है। सबसे ज्यादा मजे और सबसे ज्यादा मार्क्स आपको हम बिजनेस स्टडीज में दिलवाएंगे, ठीक है जी। तो क्या आप लोग मेरे साथ इस मिशन पे आने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं इस ऐसी जर्नी पे तैयार हैं, ठीक है जी। अगर तैयार हैं तो हैशटैग नथिंग लेस देन 100 फटाफट भैया, 100 से नीचे कुछ नहीं चाहिए बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो 100 ही लाएंगे, धूम ही मचाएंगे। हैशटैग नथिंग लेस देन 100 फटाफट। बहुत ज्यादा मजा आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं अब ये मैं ये नहीं कह सकता कि लीगल है इलीगल है। हैशटैग नथिंग लेस देन 100 भाई साहब, जो लोग चाहते हैं सर जी 100 से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, तो हैशटैग नथिंग लेस देन 100 गाइस, क्या बात है, ठीक है गाइस, ओके। सो जस्ट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन द क्लास। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो आज तुमने ट्रेलर देखा, ट्रेलर और थोड़ी डिफिकल्टी भी फेस करी हम लोगों ने, बट उसके बावजूद अगर आपको इतना मजा आया तो सोचो कि कल से जब डिफिकल्टीज दूर हो जाएंगी तो कितना मजा आएगा, कल जब मेन टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तो कितना मजा आएगा, ठीक है गाइस, ओके। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना, बाय गाइस, बाय 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 बाय।